ह्यूंडई क्रेटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी डिटेल्स अभी चल रही है इंटरनेट के ऊपर, काफ़ी सारे रूमर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टिल बात करें गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो कुल मिला के लॉन्च डेट प्राइजिंग वगैरह तो निकल करके आ जाता है, और हम लोग आपको हर 3-4 दिन के इंटरवल के अंदर वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं कि क्या चीज़ें गाड़ी के साथ में आपको अपडेट्स के साथ में देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उसमें भी कुछ और पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो लॉन्च डेट के बारे में तो हम लोग आपको सबसे पहले अपडेट दे ही देते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट होकर आती है वैसे तुरंत आपके पास हमारी ओर से अपडेट पहुंच जाता है। जो लोग रेगुलर है वो लोग को पता होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए क्यों वेट करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो बोल रहे थे अभी वाली क्रेटा को क्यों नहीं ले सकते। अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन, सारी चीज़ें तो अभी वाली क्रेटा के साथ में भी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अच्छी खासी मिल ही रही है। लेकिन स्टिल बात करें नई वाली क्रेटा क्यों स्पेशल होगी, क्यों उसके लिए आप वेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो वीडियो का एंड तक देखते रहो। मैं कोई पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बारे में नहीं बताऊँगा, सारी चीज़ें अक्रॉस द वीडियो जो भी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी वो सारी इंपॉर्टेंट ही होगी, तो इस वजह से वो सारी वर्डिक्ट ही होगी। तो इस वजह से वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन वाइज, तो देखो अभी वाली क्रेटा तो पहले जब आई थी उस वक्त लोगों को डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद उसकी नहीं आई थी। लेकिन स्टिल बात करें तो जैसे टाइम होता गया उसके बाद लोगों के ऊपर वो डिज़ाइन जो है वो यूज़ टू होती गई, वो ग्रो करने लगी, उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया कि अभी वाली जो क्रेटा चल रही है उसकी डिज़ाइन को आप जब लोगे या फिर पहली बार देखोगे तब आपको वो पसंद नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ आप यूज़ टू होंगे, वो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वो डिज़ाइन आपके ऊपर ग्रो करेगी, तो ये चीज़ फैक्ट भी है। तो अभी चल रहा है वो चीज़ें। लेकिन स्टिल बात करें नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट की, तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मच्योर काइंड ऑफ आपको डिज़ाइन वगैरह या फिर डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलने वाली है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा भी बात करें तो आपको ओवरऑल जो चीज़ें चेंज करने जैसी थी, जो बिल्कुल भी अभी वाली क्रेटा के साथ में अच्छी नहीं लग रही थी, वो सारी चीज़ें भी ह्यूंडई ने चेंज कर दिया, तो इस वजह से वो एक एस्पेक्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल वो भी एक लॉजिकल चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा बात करें तो फीचर्स आता है, क्योंकि अभी वाली क्रेटा तो नो डाउट अच्छे खासे फीचर्स वो प्रोवाइड कर दिया। लेकिन स्टिल बात करें तो कंपटीशन के कंपैरिजन में जब ये वाली क्रेटा जब आई थी 2020 के अंदर तो उस वक्त तो कंपटीशन इतनी तगड़ी नहीं थी सेगमेंट के अंदर। ऐसी ग्रैंड विटारा, हाई राइडर जैसी गाड़ियाँ भी नहीं थी, कुशाक वगैरह जैसी गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो इस वजह से वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर स्टैंड आउट होती थी क्रेटा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कई सारी ऐसी गाड़ियाँ आ गई है जो क्रेटा को ओवरटेक करके बैठी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो इस वजह से ह्यूंडई को भी फीचर्स को तो अपडेट करना ही था और वो लोग करने ही वाले थे। तो ये चीज़ फाइनली क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर होने वाली है। तो सीधी सी चीज़ है, अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर ज़्यादा फीचर्स चाहिए, आप फीचर युक्त गाड़ी चाहते हो, आपको गाड़ी के अंदर फीचर्स होना पसंद है, तो फिर नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए वेट करना ही बेहतर होगा। उससे ज़्यादा कोई लॉजिकल चीज़ हो नहीं सकती। और कुछ चीज़ों की बात करें जैसे कि इंजन ऑप्शंस एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस वगैरह की स्मूथनेस हो गई, ट्वीक्स हो गया, पावर टू वेट रेशियो, पावर एंड टॉर्क के फिगर्स हो गए, वो सारी चीज़ों के अंदर हल्के फुल्के ट्वीक्स या फिर थोड़े बहुत फीचर्स नॉमिनल आपको जो है ऊपर नीचे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर तो डेफिनेटली नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए वेट कर सकते हो। और एक चीज़ होगी, अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हो, आपके घर में पहली बार गाड़ी आ रही है, वो आपकी प्राइमरी कार होगी ऑफकोर्स, लेकिन पहली बार आप गाड़ी को खरीद रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए जाना चाहिए। अगर आप अभी वाली क्रेटा को लेके उसको 2 साल के अंदर अंदर, मैं बोल रहा हूँ 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर उसको बेच लोगे, तो फिर अभी वाली क्रेटा ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको गाड़ी 4 साल से ज़्यादा रखनी है, तो फिर डेफिनेटली नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए ही आपको रुकना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन होगा। क्योंकि जब आप 6 साल बाद गाड़ी को बेचने जाओगे, तो अभी वाली क्रेटा जो आपने ली होगी उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू दी न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे, क्योंकि अभी वाली क्रेटा आप लोगे तो फेसलिफ्ट जब आएगी उसके बाद तो ये वाली जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो इस वजह से वैसे ही उसकी रीसेल डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट आप रेफर कर सकते हो अगर लॉन्ग रन के लिए चाहिए गाड़ी। तो फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपको एज ए सेकेंडरी कार चाहिए अभी, तो फिर डेफिनेटली अभी वाली क्रेटा के लिए जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है।
और आई होप आपको वीडियो की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी किसी और को जेन्युइन रिकमेंडेशन दे पाए। और डिटेल में हर एक कैटेगरी वाइज वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट को देखो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।